नमस्कार, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक आयुर्वेदिक औषधि योगेंद्र रस के बारे में। हम जानेंगे कि योगेंद्र रस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके चिकित्सकीय उपयोग किन किन बीमारियों के लिए किया जाता है और इसके सेवन करने की क्या मात्रा होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं योगेंद्र रस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसे रस सिंदूर, स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, कांत लौ भस्म, अभ्रक भस्म एवं बंग भस्म को एक निश्चित अनुपात में मिला करके बनाया जाता है। योगेंद्र रस के चिकित्सकीय उपयोग। इस औषधि को ज्वरनाशक, हृदय और मस्तिष्क के पुष्टिवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिर्गी, लकवा, डिप्रेशन, मानसिक रोगों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मानसिक रोग क्या है? डिप्रेशन भी मानसिक रोग में ही आता है। जैसे आपको याद नहीं कि आप आखिरी बार खुश कब थे, आप लोगों से कटे कटे रहने लगे हैं, आपको अपने आप से नफरत जैसा महसूस होने लगा है, इच्छा होता है कि आत्महत्या कर लें, आदि समस्याएं मानसिक रोगों में शामिल हैं। योगेंद्र रस काफी लाभदायक है इन मानसिक रोगों के उपचार में। अगर अच्छे चिकित्सक के देखरेख में इस औषधि को और कुछ दवाओं के साथ प्रयोग किया जाए तो इसके सेवन करने की मात्रा, योगेंद्र रस के सेवन की मात्रा की बात करें तो 125 mg दवा भोजन करने के बाद आप ले सकते हैं, यानी एक से दो गोली सुबह और शाम भोजन के बाद। और हां, शहद के साथ इसे आपको लेना चाहिए। ध्यान रखें कि प्रत्येक रोगी और उसका रोग अलग हो सकता है, इसलिए कोई भी दवाई लेने से पहले रोगी के तरीके, आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास, अन्य कारणों के आधार पर मात्रा अलग अलग हो सकता है। इसलिए दवा का प्रयोग करने से पहले किसी नजदीकी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, ताकि किसी प्रकार का साइड इफेक्ट की समस्या न होने पाए। इसके साइड इफेक्ट, योगेंद्र रस के साइड इफेक्ट की बात करें तो सामान्यतया इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, अभी तक देखने को मिला भी नहीं है। पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे को जो माताएं दुग्धपान कराती हैं या ड्रिंक्स करने वाले लोगों को यह औषधि नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको योगेंद्र रस के बारे में कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।